हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और जैसा कि आप सभी को हेडलाइन देख के समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में हम 13 राज्यों के राज्यपाल चेंज हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, थोड़ा उनका पास्ट, थोड़ा उनका उनके बारे में, और हो सके तो थोड़ा बहुत हम उन राज्यों के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो बिहार के नए राज्यपाल बने हैं, तस्वीर आप देख सकते हैं, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं ये बिहार के 30वें राज्यपाल बने हैं। इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे फागु चौहान। ओके, और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो हैं ये इससे पहले यानी कि बिहार के गवर्नर राज्यपाल बनने से पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। फागु चौहान जो हैं, तो फागु चौहान आपको पता है कि जो पहले बिहार के गवर्नर थे, इन्हें अब बिहार से हटा के कहाँ, मेघालय का गवर्नर बना दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि नए बने हैं, तीसवें नंबर के हमारे राज्यपाल हैं। बिहार के अगर पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल है, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी बिहार से टच करता है जो कि है नेपाल का। अगला देखते हैं, झारखंड का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो झारखंड के नए राज्यपाल जो हैं ये बने हैं सीपी राधा कृष्ण। ये झारखंड के 10वें राज्यपाल बने हैं और इन्होंने रमेश बैस का स्थान लिया है। ये पहली बार गवर्नर के पद पे आए हैं और यहाँ पे, और रमेश बैस को आपको पता होगा कि रमेश बैस जो है वो अब महाराष्ट्र के गवर्नर बन गए हैं। ठीक है, तो अभी अगर झारखंड की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं सीपी राधा कृष्णन, और झारखंड के अगर पड़ोसी राज्यों को देखें तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। और आपको पता होना चाहिए कि झारखंड जो है सन 2000 में बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, बिहार से अलग हुआ था। अगला देखते हैं, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो मेघालय के नए राज्यपाल बने हैं फागु चौहान। मेघालय के ये 20वें राज्यपाल बने हैं, बीडी मिश्रा के स्थान पे ये आए हैं। ये बीडी मिश्रा जो है, आपको इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बीडी मिश्रा को अतिरिक्त प्रभार जो है इससे पहले मेघालय का दिया हुआ था, लेकिन अगर हम इनसे पहले अगर पूर्णकालिक हम गवर्नर की बात करें तो वो थे सत्यपाल मलिक। और अगर हम फागु चौहान की बात करें तो इससे पहले फागु चौहान जो हैं वो बिहार के राज्यपाल थे। और अभी अगर बी डी मिश्रा की बात करें तो बी डी मिश्रा को आपको पता ही है कहाँ भेज दिया गया है। बी डी मिश्रा को वर्तमान में लद्दाख भेज दिया गया है, लद्दाख के वो उपराज्यपाल बनाए गए हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे अगर मुख्यमंत्री की बात करें हम मेघालय की, तो ये कोनराड संगमा है। राज्यपाल अभी नए बने हैं 20वें नंबर के फागु चौहान। मेघालय राज्य के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो नेशनल बॉर्डर जो लगता है एक असम, और एक इंटरनेशनल बॉर्डर ये बांग्लादेश के साथ भी शेयर करता है। महाराष्ट्र के नए राज्यपाल कौन बने हैं? महाराष्ट्र के नए राज्यपाल बने हैं रमेश बैस जो कि पहले झारखंड के राज्यपाल थे। अभी इनको क्या दे दिया गया है, कहाँ का पद दिया गया है? महाराष्ट्र के का पद दिया गया है। और भगत सिंह कोशियारी जो पहले 22वें नंबर के राज्यपाल हुआ करते थे महाराष्ट्र के, इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है तो उसको हटा के 23वें नंबर के राज्यपाल बनाया गया है इसको, तो रमेश बैस को। ठीक है, और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे राज्यपाल जो अभी नए राज्यपाल बने हैं, 23वें राज्यपाल बने हैं रमेश बैस। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र इन सभी के साथ अपना सीमा साझा करता है। छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल बने हैं विश्वभूषण हरिश्चंदन। ये 7वें राज्यपाल बने हैं छत्तीसगढ़ के। इनसे पहले अनुसुईया उइके जो है इस स्थान पर थी, यानी कि छठी जो राज्यपाल थी छत्तीसगढ़ की वो थी अनुसुईया उइके। और विश्वभूषण हरिश्चंदन की बात करें तो ये पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, वहां से हटा के अभी इनको छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया। और अनुसुईया उइके आपको पता ही है कि ये मणिपुर का राज्यपाल इनको बनाया गया। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंदन। और यहाँ पे अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो मुख्यमंत्री इसके भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल बने हैं विश्वभूषण हरिश्चंदन। और अगर छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों को देखें तो बहुत सारे राज्यों के साथ ही अपना सीमा साझा करता है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कितने राज्यों के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है। अगला देखते हैं, असम राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं। तो असम राज्य के नए राज्यपाल बने हैं गुलाब चंद कटारिया। ये गुलाब चंद कटारिया असम के 29वें सीएम गवर्नर बने हैं और ये जगदीश मुखी के स्थान पर आए हैं। याद रखेंगे, गुलाब चंद कटारिया जो कि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जगदीश मुखी का क्या है, पदभार अब हो गया है समाप्त, तो इनके स्थान पे अब लाया गया है किसको, गुलाब चंद कटारिया को। और अगर हम असम की बात करें तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया नए
बने हैं और असम के पड़ोसी राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल है। और ये क्या है, दो इंटरनेशनल बॉर्डर्स भी साझा करता है, एक बांग्लादेश और एक भूटान के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल बने हैं एस अब्दुल नजीर जो हैं, ये पहले सुप्रीम कोर्ट में जज थे, रिटायर होने के बाद इन्हें अब आंध्र प्रदेश का 24वां गवर्नर बनाया गया है और ये जो हैं विश्वभूषण हरिश्चंदन का स्थान ले रहे हैं। विश्वभूषण हरिश्चंदन जो कि अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं, पहले वो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, ये ध्यान रखेंगे आप। मैं कई चीज़ों को लिंक कर रहा हूँ तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है उसमें, ठीक है। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल जो कि आपको 24वें नंबर के राज्यपाल बने हैं, कौन बने हैं, अब एस अब्दुल नजीर। और यहाँ पर अगर हम डिटेल की बात करें तो थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं, जो कि मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी हैं, राज्यपाल एस अब्दुल नजीर। आंध्र प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में देखा जाए तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, यानम जो कि पुडुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है, और तमिलनाडु, ठीक है। सिक्किम के नए राज्यपाल कौन बने हैं, सिक्किम के नए राज्यपाल बने हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो है ये 15वें गवर्नर बने हैं, कहाँ के, सिक्किम के, और ये गंगा प्रसाद के स्थान पे आ रहे हैं। और गंगा प्रसाद का क्या है, कार्यकाल हो गया है समाप्त यहां से, तो इनको अभी हटा दिया गया है और इनके जगह पे आ गए हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, ठीक है। और मुख्यमंत्री देखें सिक्किम की, तो प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, सिक्किम के पड़ोसी राज्य में, एक पश्चिम बंगाल को ही अटैच करता है और बाकी ये तीन इंटरनेशनल बॉर्डर है इसके, नेपाल के साथ, चीन के साथ और भूटान के साथ। नेक्स्ट है कि हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला बने हैं, हिमाचल प्रदेश के 22वें राज्यपाल, और ये राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का स्थान ले रहे हैं। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि अभी वर्तमान में बिहार के राज्यपाल हैं, उनके स्थान पर हिमाचल के नए राज्यपाल बनाया गया है शिव प्रताप शुक्ला को, याद रखेंगे शिव प्रताप शुक्ला को। और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, मुख्यमंत्री है अभी हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश अपना सीमा साझा जम्मू कश्मीर के साथ करता है, उत्तर प्रदेश के साथ करता है, उत्तराखंड और पंजाब के साथ अपना सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं, ये बने हैं कैवल्य त्रिविक्रम यानी कि केटी परनाइक के नाम से आप इनको ज़्यादातर जानते हैं, पूरा नाम है इनका कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक या केटी परनाइक, ठीक है। और ये स्थान ले रहे हैं बी डी मिश्रा जो कि पता ही है आपको कि लद्दाख उनको भेजा गया है, और बी डी मिश्रा के पास आपको जानकारी होगी कि उनके पास मेघालय का भी अतिरिक्त प्रभार था, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश के वो पूर्णकालिक राज्यपाल थे और वहां से अभी उनको हटा के लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश के अभी वर्तमान में राज्यपाल कौन है, कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक, केटी परनाइक, मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में असम और नागालैंड आते हैं, और अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो चीन, भूटान और म्यांमार की सीमाओं से भी लगती है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात करें तो तीन देश के साथ भी अपनी सीमा ये साझा करता है। मणिपुर के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो मणिपुर की नई राज्यपाल 18वें नंबर के राज्यपाल बनी है अनुसुईया उइके, ला गणेशन के नाम पे ये आई हैं, ला गणेशन जो कि पहले आपको पता है कि ला गणेशन को नागालैंड का गवर्नर बनाया गया है, मणिपुर की के गवर्नर थे वो, अभी उनको मणिपुर से हटा के अब नागालैंड का गवर्नर बना दिया गया है। और अनुसुईया उइके की बात करें तो अनुसुईया उइके जो हैं ये पहले आपको आंध्र प्रदेश की राज्यपाल थी, ठीक है। अनुसुईया उइके पहले आंध्र प्रदेश की राज्यपाल थी, छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, मैंने गलती से आंध्र प्रदेश कह दिया, ये पहले छत्तीसगढ़ की राज्यपाल हुआ करती थी। और अभी क्या है, अब छत्तीसगढ़ से हटा के इनको मणिपुर का कार्यभार दिया गया है, ओके। और अभी अगर थोड़ा डिटेल देखें तो मुख्यमंत्री है मणिपुर के एन बीरेन सिंह, राज्यपाल अनुसुईया उइके। इसके पड़ोसी राज्य देखें तो भारतीय जो सीमा साझा होता है वो नागालैंड, मिजोरम और असम के साथ, और इंटरनेशनल बॉर्डर ये साझा करता है म्यांमार के साथ। नागालैंड के नए राज्यपाल कौन बने हैं, तो नागालैंड के नए राज्यपाल बने हैं ला गणेशन जो कि 19वें नंबर के गवर्नर बने हैं नागालैंड के, जगदीश मुखी के स्थान पे आए हैं। और ला गणेशन की बात करें तो पहले आपको पता है कि ये मणिपुर के गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, मणिपुर के गवर्नर थे, ओके। और थोड़ा सा अगर हम नागालैंड को जाने तो मुख्यमंत्री नेफ्योरियो, राज्यपाल ला गणेशन। नागालैंड के पड़ोसी राज्य अगर बात करें तो असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, और इंटरनेशनल बॉर्डर ये म्यांमार के साथ साझा करता है। और हमारा आज का आखिरी जो क्वेश्चन रहेगा, लद्दाख के नए राज्यपाल कौन बने हैं, उपराज्यपाल यहाँ पे होना चाहिए था, तो ये बने हैं बी डी मिश्रा। और आपको पता ही है कि बी डी मिश्रा के पास क्या है, दो स्टेट्स के
पावर थे। एक तो बीडी मिश्रा थे, पहले आपको ये मेघालय और अरुणाचल प्रदेश दोनों के ही गवर्नर रह चुके हैं। इसके अलावा बीडी मिश्रा के पास मेघालय का अतिरिक्त प्रभार था, ये ध्यान रखेंगे। और अरुणाचल प्रदेश का क्या है, क्या था इनके पास वर्तमान में, ये फुल टाइम वहाँ के गवर्नर थे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। और ये जगह पे किसके आ रहे हैं, ये दूसरे गवर्नर उपराज्यपाल बने हैं लद्दाख के। और पहले जो लद्दाख के उपराज्यपाल थे, जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग किया गया था, तो वो आर के माथुर थे। याद रखेंगे, कई बार हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लद्दाख के पहले उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, तो आर के माथुर नाम याद रखेंगे, राधा कृष्ण माथुर, ऑप्शन नंबर ए में जो लिखा हुआ है वो पहले नंबर के थे। और अभी बी डी मिश्रा दूसरे नंबर के उपराज्यपाल बने हैं लद्दाख के। ठीक है, और राज्यपाल अगर हम लद्दाख की बात करें, तो लद्दाख तो एक क्या है, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री तो होंगे नहीं, तो राज्यपाल के ही पास सारा पावर है। तो बी डी मिश्रा राज्यपाल हैं, और मतलब उपराज्यपाल कह ले आप। और लद्दाख के जो पड़ोसी राज्य हैं वो हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर है, और लद्दाख की सीमा जो है वो पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा 13 राज्यों के राज्यपाल के बारे में, उनके प्रीवियस राज्यपाल, वो राज्यपाल उठ के कहाँ गए, और थोड़ा सा उस राज्य के बारे में भी जानकारी हमने इकट्ठा करी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।